मेरा क्वेश्चन ये था भैया कि जब मैं मान्यता या स्वीकृति के स्तर पे जाता हूँ, तो जब तक मैं हारमोनी में हूँ तब तक मेरी मान्यता हो या संस्कार हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या हम कहेंगे कि डिसहारमोनी नहीं बनती। बट जब मैं डिसहारमोनी में जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये मान्यता गलत है, और फिर संवेदना और संबंध ये स्तर जो है ये जीने में ज्यादा है फिर भी। और मान्यता दिखाई तब देती है जब डिसहारमोनी में आता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जब मैं हारमोनी में हूँ तब भी समझ में आ जाए कि ये मान्यता है, और इससे जो कुछ भी संवेदना या भाव मिल रहा है वो सही है अभी, बट ये गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है भैया मेरा क्वेश्चन? ठीक है, जीना तो अपने को ये सब छह जगह पे उभरता है ना, हाँ लेकिन फोकस में क्या है वो बात कर रहे हैं हम लोग। केंद्र कहाँ है ना, सेंटर हाँ कहाँ है, हाँ मतलब कहाँ पे हम केंद्र रखकर सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम साक्षी को, दृष्टा को केंद्र में रखकर देखेंगे, है ना, तो भी हम बाकी चीजें तो करेंगे ही, अपने संस्कार को देखेंगे, अपनी कल्पनाशीलता को देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, संबंध पर ध्यान देंगे, संबंध में अपने भाव को सुनिश्चित करेंगे, उसको परस्परता में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करते समय शरीर का प्रयोग करेंगे ना? और व्यक्त करने के लिए कोई सुविधा गिफ्ट में देना हो तो गिफ्ट भी देंगे। तो सभी जगह जीने का काम तो होगा, लेकिन फोकस में दृष्टा रहेगा, शुद्ध दृष्टा रहेगा। तो सवाल यह है कि हम उस जगह पर फोकस्ड है कि नहीं, सेंटर हमारा वहां है कि नहीं, हाँ उसके साथ संस्कार को देखेंगे। एक बात तो ये कहना है मुझे। दूसरा, ये जो जब सही चल रहा होता है तो संस्कार पर ध्यान नहीं जाता है, मान्यता पर ध्यान नहीं जाता है, उसको अब धीरे धीरे ध्यान देंगे तो वो ध्यान जाने लगेगा। अभी क्या है कि जो दुखद स्थितियां हैं उससे तो आप भाग नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपका संस्कार पर ध्यान चला जाता है। जो सुखद स्थिति है उस पर भागने का मुद्दा नहीं है, उस पर बने रहने का मुद्दा है ना। और वो हाँ चूंकि संस्कार सही है इसलिए उसकी सूक्ष्मता ज्यादा है, उसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, उठा पटक नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म है और आपका ध्यान नहीं जाता। बट इस काम को जारी रखेंगे तो धीरे धीरे उस पर भी ध्यान जाएगा कि ये भी एक संस्कार है, एक मान्यता है, और ये सही मान्यता है। ये ध्यान जाएगा, दिख जाएगा, तो फिर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि भाई इसको तो बनाए रखना है, इसकी कंटिन्यूटी चाहिए अपने को। तो काम जारी रखें। ठीक है भैया। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे सुखद स्थिति में भी जो संस्कार है वो दिखेगा, लेकिन अब बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही थी, अब धीरे धीरे दिखने लगी ना, हाँ इससे ये भी नहीं दिख रहा, दिखेगा। काम तो अपने पे करना ही, अपनी सूक्ष्मता ही बढ़ानी।